गाइस आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट इंसान में बहुत बहुत स्वागत है। अगर गाइस आप लोग अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार आपको चैनल के बगल में एक लाल वाली बटन दिखाई दे रही होगी, उसको दबाकर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गएंगे वीडियो में क्या होने वाला है। क्या आपको पता है ड्राई फ्यूल के बारे में? गाइस अगर आपको ड्राई फ्यूल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। गाइस ड्राई फ्यूल का जो हिंदी होता है वो होता है सूखा ईंधन। गाइस ईंधन वो होता है जिसको जलाने पर हमें उष्मा मिलती है। गाइस ड्राई फ्यूल का मतलब कि गाइस वो सूखी हुई वस्तु जिसको जलाने पर हमें ईंधन मिले, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई फ्यूल। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक मछली और गाइस लेंगे एक डब्बे ड्राई फ्यूल। तो गाइस मछली नाम होता है आपके दिमाग में आता होगा कि जो मछली आप लोग खाते हैं वही वाली मछली ना? हाँ, तो इसमें बता दूँ, हाँ वही वाली मछली, आर्टिफिशियल मछली नहीं, खाने वाली मछली। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे इसकी, हम लोग ड्राई फ्यूल के ऊपर मछली को फॉयल चिपका कर और ड्राई फ्यूल में लगाएंगे आग। और देखते हैं, आप लोग जानते हैं अगर आप लोगों को आंखों की समस्या है तो गाइस अगर आप लोग मछली का रोजाना सेवन करते हैं तो आपकी आंखों की समस्या कुछ ही महीनों में दूर हो जाएगी, आपके चश्मा का नंबर भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग अगर मछली नहीं खाते हैं और आपके आंखों में समस्या है तो आप लोग रोजाना मछली का सेवन कीजिए, जरूरी इसका फायदा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस हम लोग आज की वीडियो में क्या करेंगे इसकी, हम लोग ड्राई जो फ्यूल होता है उसी के ऊपर मछली को फॉयल में बंद कर और ड्राई फ्यूल में लगाएंगे आग और देखते हैं गाइस कि क्या जो मछली होती है वो ड्राई फ्यूल के जलने तक पक पाती है या फिर नहीं पक पाती है। तो गाइस बन रही वीडियो में देखिए क्या होता है।
गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा जब मैंने ड्राई फ्यूल के ऊपर फ्राई बन रही मछली को रखा तो मछली जो होती है एकदम पूरी तरीके से जल जाती है। यानी गाइस इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो ड्राई फ्यूल की आंच थी वो बहुत ही तेज थी, उसके अंदर से बहुत ज्यादा उष्मा निकल रही थी, इसीलिए वो मछली को जलाकर रख देती है। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि ड्राई फ्यूल के अंदर कितनी उष्मा होती है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर गाइस आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में और नए एक्सपेरिमेंट के साथ।